दोस्तों बीजापुर के नियर सिर्फ 30 किलोमीटर वाटरफॉल देखना चाहोगे तो उसके लिए लगेगी बाइक। लुक चेंज करेंगे, चलो लुक तो चेंज हो गया अभी, चलो। अबे साले वाटरफॉल को जब आप जाते हैं तो रास्ते में ये एक तालाब पड़ेगा, बहुत बेहतरीन जगह है। यहाँ पर झाड़ डूबे हुए हैं, ये लेक तो पहले था नहीं, इसको बनाया गया है। इसको बनाने की वजह से ही वो वाटरफॉल अभी तक बह रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये लेक बनाया गया है, तो आप देख सकते हैं ये रोड को ब्लॉक कर दिया है। लेक बनाने की वजह से पानी पूरा यहाँ तक आ गया। ये जो बांध है यही बनाया गया है। पहले रोड यहाँ से संक हो जाया करती थी, अब जब पानी आ गया है तो इधर ऊपर से जाना पड़ेगा। वाटरफॉल के लिए भी जाने के लिए वहीं से जाना होगा। आगे उधर जो कार नज़र आ रहे हैं वहाँ से वाटरफॉल को जाना होगा। तो चलो चलते हैं वाटरफॉल। बीजापुर से यहाँ पर आने के लिए आपको संक यमुना रोड लेना होगा। अगर वहाँ से आते हैं आप तो यहाँ पर आके गाड़ी पार्क करनी होगी, कोई बड़ी गाड़ी है। अगर टू व्हीलर है तो अभी आगे तक जाएगी ऊपर तक। तक आएगी, यहाँ आके रुकानी होगी। आप देख सकते हैं यहाँ से पानी बह रहा है।
ये तालाब को बनाया गया है, यहाँ से लेके वहाँ तक बनाया, उधर से रोड संघ के लिए जाके वो रोड ब्लॉक करके बनाया गया है। ये तालाब बनाने की वजह से अभी तक पानी रुका हुआ है। ये पहले सिर्फ एक नदी थी छोटी। ये बीजापुर से तकरीबन 30 किलोमीटर पड़ता है इटक। यहाँ पे ना कोई स्टोर है ना कोई होटल। अगर आप फैमिली के साथ या फिर बच्चों के साथ आ रहे हैं तो बीजापुर से ही कुछ लेकर आए, यहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं। ज़्यादा है, पता नहीं आपको मेरी आवाज़ सही से आ रही है या नहीं। अभी तो पानी का बहाव कम हो गया है, जब लास्ट वीक हम आए थे तो ये सब जो यहाँ से सब बह रहा था पानी, अभी कम हो गया है। जब आप आएंगे तो यहाँ सेफ्टी का खास करके ख्याल रखिए, यहाँ पर कोई नज़र रखने वाला नहीं, आपका ख्याल आपको खुद ही रखना होगा। देखिए कितनी बेहतरीन सी जगह है, बीजापुर से वो भी सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है। फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, सबके लिए बहुत अच्छी जगह है। Thank you.